महाकथा का आयोजन था, शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, बच्चे जर्जर मकान के बगल में पूजा कर रहे थे, तभी भरभराकर जर्जर मकान की दीवार गिर गई और फिर सुनाई दी तो चीख पुकार। बुझ गए 9 चिराग, मौत की दीवार, मातम, चीख पुकार, जर्जर मकान, जमींदोज जिंदगी, मासूमों की मौत, कौन गुनहगार, मलबे में सपनों ने तोड़ा दम, अनकही फरियाद, मेरा लाल लौटा दो। इस मलबे में न जाने कितने परिवार के सपनों ने दम तोड़ा है। इस मलबे में वो मातम है जिससे हर कोई गमगीन है। एक साथ 9 घरों के चिराग का बुझ जाना, महसूस कर रहे हैं क्या इस दर्द को, समझ सकते हैं उन माओं की चित्कार को जिन्हें उनका लाडला कलेजे का टुकड़ा अब कभी दिखाई नहीं देगा। देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गई। सागर से 50 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव में हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण महाकथा का आयोजन था। संडे का दिन था, बच्चे भी बड़ी खुशी खुशी आए, लेकिन मौत के मुंह में ऐसे समा गए कि पूरे गांव में हर कोई दहल उठा। सागर में बारिश का कहर जारी है, 2 दिनों से आसमानी आफत बरस रही है जो तबाही लेकर आई उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों की मौत इस जर्जर मकान के गिरने से हुई। दरअसल जर्जर मकान के बगल में बच्चे पूजा कर रहे थे, तभी 50 साल पुराने इस मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरी और 9 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। जेसीबी से मलबा हटा तो बच्चों की लाशें दिखाई दी, 8 से 15 साल की उम्र थी उन मासूमों की। घायल 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सागर हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आए, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक दुखद घटना सागर जिले में हुई है, जहां निजी भवन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहां बच्चों को दबने की सूचना मुझे मिली है। मंत्री गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय शैलेंद्र जी, सबको हमारे सही सब लोगों से कहा है और जो घटना होती है उस संबंध में पहले तो राहत के सारे प्रबंधन करें और हम लोग करेंगे कि ये जो निजी भवन इस प्रकार के घटना होती है जिनके संबंध में सरकार तुरंत पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर कार्रवाई कराने की बात करेगी। आखिर जिम्मेदार क्यों लापरवाह हो गए, क्यों जर्जर मकानों को पहले चिन्हित नहीं किया गया, मासूमों का गुनहगार कौन कौन है? सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आपको कोई ईमेल आए या फिर व्हाट्सएप पर कोई ऐसा दस्तावेज भेजे जिसमें जांच एजेंसियों के सील ठप्पे लगे हों और यह लिखा गया हो कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंस चुके हैं, आप पर मामला दर्ज होगा, तो यह खबर देखिए जो कह रही है, जो डरेगा वही फंसेगा। डरना मना है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की चाल, ऐसे ईमेल दस्तावेज से जरा होशियार, ठगी का नया तरीका, FIR का डर, जो डर गया समझो फंस गया। आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर कहीं ऐसा कोई दस्तावेज तो नहीं आया? कोई आपको भी व्हाट्सएप करके ये तो नहीं कह रहा कि आप गलत काम में लगे हैं? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का संगीन इल्जाम है आप पर? अगर 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आप अंदर हो जाएंगे, आप पर FIR दर्ज की जाएगी, अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। और अगर ऐसा है तो डरिए नहीं, ठगी के इस नए तरीके को ऐसे समझिए। इंग्लिश में लिखा ऐसा डॉक्यूमेंट देखकर किसी के भी होश उड़ना लाजिमी है, जिस पर बाकायदा साइन है, सील लगा है, ठप्पा लगा है, जांच एजेंसीज का मोनो भी है। इस दस्तावेज का ड्राफ्ट ऐसा है कि कोई भी दहशत में आ जाए। यही है ठगों का नया पैतरा, ठग अब ईमेल और व्हाट्सएप करके ऐसे फर्जी दस्तावेज भेज रहे हैं।
रायपुर के दो व्यापारियों को जब ये डॉक्यूमेंट्स मिले तो उनके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंसे होने की बात कही गई थी। साइबर ठगों के द्वारा आजकल लोगों के व्हाट्सएप नंबर को प्राप्त करके उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है, शिकायत मिली है, इस प्रकार की चीज़ें करके वो लोगों को भय में लाकर उनसे भया दोहन कर पैसों की मांग करते हैं। पहले तो व्यापारी डर गए, लेकिन होश हवास नहीं खोया, ठगों की बातों में नहीं आए, सीधा पुलिस वालों को इस नोटिस के बारे में बताया, जिनमें एक और बात लिखी गई थी कि सेटलमेंट करना है तो 24 घंटे का वक्त है, यानी ठग मामले को रफा दफा करने की भी बात करते हैं। कभी कुरियर में ड्रग्स होने की बात करके हाउस अरेस्ट की कहानी सामने आती है, तो कभी साइबर फ्रॉड का दूसरा तरीका। मैं लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कोई भी अगर आपके पास कोई नंबर आता है तो उसके साइबर में रिपोर्ट अवश्य लिखवाएं। कोई भी शासकीय डॉक्यूमेंट कोई भी व्यक्ति या संस्था व्हाट्सएप के जरिए किसी को नहीं भेजती है, और इस प्रकार की कोई भी शिकायत मिलने पर या इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पर साइबर में तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि हम उनके ऊपर यथोचित कार्रवाई कर सकें। शिकार का डर ही नटवरलाल का हथियार है, यानी डरना मना है। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो महिला बच्चों के साथ मोमोज खाने गई थी। सड़क पर लगे ठेले पर परिवार मोमोज का लुत्फ उठा रहा था, तभी अचानक महिला की पीठ पर गोली लगी और वो बेहोश होकर गिर गई। आखिर मोमोज और गोली की ये पहली क्या है, खुलासा हैरान कर देगा। दहशत की गवाही दे रहे हैं ये टूटे कांच, बिखरा खून। मुरैना के इस फूड कॉर्नर पर एक महिला बच्चों के साथ मोमोज खा रही थी, लेकिन मोमोज उसे इतना महंगा पड़ा कि महिला की जान पर ही बनाई। मोमोज खाने आई महिला हेमलता को गोली लगी, गोली सीधे पेट पर लगी। फायरिंग की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मुरैना के पोरसा थाना इलाके के पचपेड़ा रोड पर गोली चली। आखिर गोली की ये गुत्थी क्या है, मोमोज के बदले गोली क्यों मिली, तो पूरा मामला तफसील से सुनिए। हुई थी कि वे विजेंद्र नाम और उसका मौसी का लड़का मेरे पास आया शाम के टाइम, तो उसने क्वार्टर के लिए पहले पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया, मेरे पास ना पीता हूँ ना पिलाता हूँ। दूसरी बात फिर मैं मोमोज मांगे, मैंने बोला कोई बात नहीं ले लो। वहाँ से उसने शाम के टाइम गाली गलौज चालू कर दी, फिर मेरे एक छोटे भाई ने मना किया, गाली मत दो बहुत हो गया, यहाँ पे आदमी सुनते तुझे गाली लगती तो घर पे दे दिया कर, कोई दिक्कत नहीं, ले यहाँ पे मत। तो उसने वो नहीं माना। गणपतपुरा गाँव का रहने वाला अभिलाख सखबार चाट का ठेला लगाता है, चाइनीज फूड बेचता है। अभिलाख से उसके ही गांव का रहने वाला विजेंद्र सखवार विवाद कर रहा था। शराब के नशे में विजेंद्र पैसे मांग रहा था, रुपए देने से मना करने पर झगड़ा बढ़ता गया। अभिलाख और उसके बेटे ने विजेंद्र को भगा दिया, लेकिन मामला यहां शांत नहीं हुआ। विजेंद्र का भाई तिलक सखवार अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने आया। वहाँ पे धमकी दे के गया हमसे कि तू ठेला लगा लेना, सुबह ठेला लगा लेना, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं तू जा, हम शाम को चले गए हैं। फिर सुबह आए हैं तो सुबह इन्होंने हम जहाँ पे हम रेडी लगाते वहाँ पे इन्होंने अपनी टमाटर लगा रखी थी पहले से ही ऑलरेडी। हमने समझा बजा के सरपंच साहब को बुलाया और भी लोगों को बुला के उनको हटवा दिया प्रेम से, और हमने माफ़ी भी मांग ली, कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। फिर उसके बाद दो घंटे एक घंटे बाद उसका भाई आ गया तिलक सिंह, ना तो उसने कुछ भी पूछा, और आते ही मतलब हमारे पर गोली चला दी और हमारे सामान तोड़ फोड़ कर दी। कट्टा लहराते हुए तिलक सखबार आया, एक फायर पीटीएस स्कूल के पास किया, उसके बाद अभिलाख के ठेले पर आकर फिर झगड़ा करने लगा। दो फायर हवा में किए, तीसरी गोली अभिलाख की तरफ थी, लेकिन ये गोली मोमोज खा रही महिला को जा लगी। गोली लगते ही महिला जमीन पर बेसुध होकर गिर गई। पचपेड़ा पर आज एक झगड़े में एक महिला को गोली लगी है, तो उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है धारा 307 के तहत, आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। घायल महिला को फौरन ग्वालियर रेफर किया गया। मोमोज के बदले गोली, ये वारदात दिल दहलाने वाली है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी में बारिश कहर बरपा रही है, कई जगह डैम के गेट खोले गए हैं, नदी नाले उफान पर हैं, जिसने जिंदगी में तूफान ला दिया है। आप भी देखिए शहर शहर बारिश का ब्रेक फेल।
आसमान से आफत बरस रही है, छप्पर फाड़कर बारिश हो रही है और ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। एमपी के शहर शहर में बारिश का कहर जारी है। छिंदवाड़ा में कट्टा नदी में बहाव इतना तेज था कि कार ही बह गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे, सभी महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले थे, नागद्वारी मेला जा रहे थे, तभी नदी के तेज बहाव में यह हादसा हुआ। एक श्रद्धालु और कार की तलाश जारी है, सैलाब के सितम से जरा बचकर। शहडोल में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। 1.25 करोड़ की लागत की पुलिया सहित सड़क ही बह गई, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ से सीधी व्योहारी माल प्रभावित हो रहा है। शहडोल जिले के MPCG बॉर्डर पर स्थित उदारी पुलिया का मामला है। इधर जबलपुर में बारगी बांध के 4 और गेट खोले गए। 13 गेटों से छोड़ा जा रहा 1,12,000 क्यूसेक पानी। बैतूल में भी लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। विद्युत नगरी सारनी में तवा नदी पर बने सतपुड़ा डैम के 7 गेट 5-5 फीट तक खोले जा चुके हैं। निचले इलाकों में कई पुल और रपटे जलमग्न हो गए हैं। कई गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों को हिदायत दी गई है बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहें। इधर छिंदवाड़ा में भी तेज बारिश के चलते माचा गोरा डैम के 6 गेट खोले गए। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सीधी में प्रसिद्ध शिव मंदिर बढ़ौरा में छोटी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से मंदिर के आसपास की दुकानों में बाढ़ आ गई। अनूपपुर में हरदा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे अंडरपास में भरे पानी ने यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन और कोतमा सहित जमुना जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। सैलाब का सितम जारी है, कुदरत के इस कहर से संभल कर रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको मिलवाते हैं खरगोन के झुमरू से सुरों के सम्राट किशोरदा का ऐसा जबरा फैन आपने नहीं देखा होगा। खंडवा में भी सुरों से प्रशंसकों ने कहा हैप्पी बर्थडे किशोरदा। मनमोहक कलाकार किशोर कुमार का आज जन्मदिन है और बॉम्बे बाजार स्थित ये उनका बंगला है जहां उनका जन्म हुआ था। देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए प्रशंसक यहां गाने गुनगुना रहे उनके और उन्हें आज अपने सुरों के साथ याद कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं आखिर ये लोग कहां से आए हैं और ये क्या कहेंगे, कहां से आए हैं आप लोग? हम सब लोग बम्बई से आए हैं। किशोर कुमार महोत्सव जो होता है सेलिब्रेट, उसमें खंडवा के लोगों ने इतना प्यार दिया है किशोर दादा को और किशोर दादा ने भी खंडवा वालों को बहुत चाहा है। मौसीकी आशिकी दर्द में लिपटा हुआ नगमा हो या फिर मस्ती भरा कोई गीत, यह आवाज कानों में मिठास घोलती है। असर दिमाग से ज्यादा दिल पर होता है। जिनकी आवाज का जादू सिर चढ़कर बोलता है, कोई भी पीढ़ी हो सुरों के सम्राट किशोरदा की आवाज से कोई अछूता नहीं रहता। शानदार अदाकारी तो गायकी भी लाजवाब। किशोर कुमार के गानों के लोग दीवाने हैं। प्रशंसकों की इसी दीवानगी के बीच खरगोन में इस जबरा फैन से भी मिल लीजिए जिन्होंने किशोर कुमार को भगवान का दर्जा दिया है। घर में किशोर कुमार का मंदिर है। किशोर कुमार के गाने से इनकी सुबह होती है और शाम भी। खरगोन के आदर्श नगर के रहने वाले विनय जोशी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिनके लिए किशोर कुमार उनके गुरु ही नहीं बल्कि भगवान हैं। किशोर कुमार की फिल्म झुमरू के नाम से ही अपने घर का नाम झुमरू रख लिया। खुद को विनय कुमार कहलाना पसंद करते हैं। मूलतः सरनेम तो मेरा जोशी है, लेकिन मेरे चाहने वालों ने मेरा सरनेम भी झुमरू कर दिया। झुमरू जी करके ही मुझे संबोधन करते हैं और इसीलिए अपने मैंने मकान का नाम भी झुमरू ही रखा है, मतलब किशोरदा की फिल्म के नाम पर। किशोरदा की फिल्म के नाम पर झुमरू। भगवान जैसे पूछते हैं? हाँ, मैं उनकी प्रतिदिन पूजा करता हूँ। मैं दीपक अगरबत्ती लगाता हूँ। इस घर से किशोर कुमार के नगमों की आवाज से लोग समझ जाते हैं हम झुमरू वाली गली में हैं।
विनय जोशी जिन्हें तीन बार मौका मिला अपने भगवान यानी कि किशोर दा से मिलने का। खरगोन वो खंडवा से 4 अगस्त 1982 को जन्मदिन मनाने के बाद यहाँ पेट्रोल पंप वाले रमेश गौर जी को यहाँ से मिलते हुए और मुंबई गए थे। जब पेट्रोल पंप वाले गौर साहब ने मुझे बुलाया था कि तुम्हारे गुरु आ रहे हैं आज उनसे तुम मुलाकात करो, मुझे मिलवाया। उन्होंने बोला यार किशोर तेरा ये बहुत बड़ा दीवाना है इनसे मिल ले जरा। मैंने बात की उनको प्रणाम किया, उन्होंने मेरे सिर पर आशीर्वाद दिया मुझे और वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत फलीभूत हुआ कि जहां भी मैं गीतों की प्रस्तुति देता हूँ अच्छी लोकप्रियता हासिल की मैंने। किशोर दा के जन्मदिन पर खंडवा में उनके घर बॉम्बे बाजार में अपने दिलो अजीज किशोर दा को ऐसे सुरों से जन्मदिन विश करने लोग आए। सिर्फ खंडवा और खरगोन ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों के दिलों पर सुरों के सम्राट की आवाज राज करती है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर किशोर दा, हैप्पी बर्थडे। न्यूज 18 के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित और खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जरूर आपको हैरान करेगी। मगरमच्छ की ऐसी दौड़ आपने नहीं देखी होगी। सीधे बांध की दीवार पर मगरमच्छ चढ़कर आ गया, उसे देख इन कुत्तों को भी डर लग रहा है। मंदसौर के कालाभाटा डैम से निकलकर मगरमच्छ बांध की दीवार पर दौड़ लगाने लगा। दरअसल लगातार हो रही बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ा जिससे मगरमच्छ ऊपर आ गया। वन विभाग को खबर लगी तो फौरन मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। इससे पहले किसी बस को सड़कों पर आपने ऐसे डांस करते नहीं देखा होगा। जो लहरा रही है और जिस तरह से चल रही है लोग कह रहे हैं देखिए बस का नागन डांस। बुरहानपुर में खस्ताहाल सड़कों की हालत देख लीजिए। बुरहानपुर के लोनी गांव का ये वीडियो है। बताया जा रहा है अब सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। बारिश में ये सफर नहीं आसान। ये तस्वीरें खस्ताहाल सड़कों की कि किस तरह से यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। और जब ये बस गुजरी यहाँ से तो डांसिंग बस इसे कह दिया गया, नागन डांस बस इसे कह दिया गया, क्योंकि गड्ढे इतने ज़्यादा हैं समझ नहीं आ रहा कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। और हर कहीं जलभराव, बड़े बड़े गड्ढे, कहीं ना कहीं ये सारे कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में कई सारे हादसे भी होते हैं जिस वजह से कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। हर बार की स्थिति है क्योंकि रोड नहीं बन पाते या बनते हैं तो ऐसे बनते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज सुबह एक रेल हादसा हुआ जहां एक ट्रेन के 3 डिब्बों में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के 3 एसी कोच में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना दायरा बढ़ा दिया। तीनों डब्बों में से निकलने वाली आग की लपटें आसमान छूने लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राहत टीम ने बड़ी मुश्किल से सभी यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक कोरबा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। इसी दौरान B7 कोच में धुआं उठने लगा। इसे देखकर कोच में सवार यात्री शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागे। देखते ही देखते डिब्बे से आग की लपटें उठने लगी। आग फैलती रही और B6 कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। आग पूरी तरह से बुझने तक B7, B6 के अलावा M1 कोच जलकर खाक हो चुके थे।
रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:30 बजे पहुंची थी। हालांकि हादसे के पीछे का कारण टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। वहीं रेलवे ने घटना की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही सुपर सिक्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।